मई से पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट। ग्राम चकरा निवासी 45 वर्षीय युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। ग्राम चकरा के अंतर्गत जहां पर मृतक किताबी पटेल ने विगत 7 फरवरी को सुबह करीब 6 बजे के आसपास घर में रखी हुई धान की दवा खपतवार नाशक का सेवन कर लिया था, जिसके कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसको परिजन जिला अस्पताल कटनी लेकर पहुंचे, जहां 2 दिन के उपचार के पश्चात तब उसकी तबीयत में कोई राहत नहीं मिली तो डॉक्टरों के द्वारा जबलपुर दिखाने की सलाह दी गई। जबलपुर जाते ही करीब 8 तारीख को रात्रि 2 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। जैसा को लेकर स्थानीय चक्रा निवासियों के महेवा चौराहा पर शव रखकर हंगामा किया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक किताबी पटेल ने करीब 5 दिन पूर्व शराब के नशे में चक्रा के लोगों को गालियां दी थी। इसके पश्चात वहां के लोगों से सरपंच पति रशीद पठान को कॉल पर सूचना देकर बुलाया गया था। इसके पश्चात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी। इसके बाद रशीद पठान ने बौरी पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के साथ चौकी लेकर आई। वहीं पुलिस ने प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई जारी रखी, परंतु मृतक के परिजनों एवं रशीद पठान के बीच आपसी सुलह हो जाने के कारण पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक को छोड़ दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रशीद के कहने पर पुलिस ने डांटा एवं मारा था, जिसको लेकर वह परेशान था। परिजनों एवं स्थानीय निवासियों का कहना है कि संबंधित व्यक्तियों पर धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, जिसको लेकर आज सड़क पर हंगामा किया जा रहा था। थाना पुलिस ने थाना प्रभारी शहर नगर के मामले से अवगत कराया। जैसे ही सूचना थाना प्रभारी शाहनगर सुएस पांडे को लगी, मौके पर दलबल के साथ पहुंचे तथा स्थानीय ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, किंतु स्थानीय ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। जैसे कि पश्चात थाना प्रभारी इसी की सूचना अनुविभागीय अधिकारी श्रुति अग्रवाल को दी। वहीं एसडीएम के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार कोमल सिंह को घटनास्थल पर भेजा। तहसीलदार कोमल सिंह ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके पश्चात थाना प्रभारी तहसीलदार जनपद अध्यक्ष आशीष खरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुलभ उर्मिलिया एवं बौरी सरपंच मनीष खरे की समझाइश के पश्चात तब जाकर के लोग बड़ी मशक्कत के बाद शव का अंतिम संस्कार के लिए माने। सर, महेवा ग्राम में जो मामला था, क्या कुछ मामला था और इस पे क्या आश्वासन दिया जनता को आपने? किताबी पटेल निवासी बोरी, जिनकी मृत्यु जहर खाने से हो गई थी जी, आज उनके द्वारा जो है यहाँ पर कार्रवाई की मांग के लिए इकट्ठे हुए थे जी। परिजनों से चर्चा की गई, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा जो है उनको परेशान किया जा रहा था जी, जिससे प्रताड़ित होकर उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है जी। उनके बताए अनुसार हमने कथन उनके लिखे हैं जी, और हम इसमें जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं जी। परिजनों को समझाइश दी गई, पुलिस पर उन्होंने विश्वास जताया है और जो भी आरोपी होगा इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम बता दीजिए सर। सौरभ रत्नाकर, SDOP पवई। धन्यवाद।